वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पार्ट सेकंड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड एग्जांपल्स लेते हैं और इनको क्लियर करते हुए। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है, ए ट्री सीम्स टू बी इन रेस्ट फॉर ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, बट That tree seems to be in motion for that person who is traveling in the train. जब person, कोई भी person platform पे है तो उसको जो trees है वो कैसे लगेंगे? वो trees trees जो है वो स्टैटिक लगेगा, स्टेशनरी लगेगा, और ये भी रेस्ट में है, पर्सन जो है वो भी रेस्ट में। तो पर्सन भी स्टैटिक किस में है? स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। और आपका जो ट्री है ये ट्री भी किस में है? ये ट्री भी उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। हम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे उसी, अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में, जैसे जो पर्सन है वो प्लेटफॉर्म पे है तो वो किसी ट्री को देखेगा तो उसको वो ट्री रेस्ट में नजर आई, रेस्ट में दिखती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो पर्सन है उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्री है। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर वो सेम है तो जो पर्सन है उसको वो ट्री कैसा लगेगा? वो स्टेशनरी लगेगा। क्लियर है? फिर उसने क्या किया, पर्सन ने किसी भी जो मोशन में आता है तो किसी ट्रेन में, वो जैसे कि वो ट्रेन में बैठ जाता है, ट्रेन में क्या होगा, ट्रेन में बैठने से उसने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर लिया। इसका मतलब उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस में आ गया? मोशन में आ गया। उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में आ गया तो उससे ये हो गया कि जो ट्री है और जो पर्सन है उस दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से क्या हुआ, जो पर्सन है उसको वो ट्री मोशन में दिखेगा, जबकि मोशन में एक्चुअली में कौन है? पर्सन, क्योंकि वो किस में बैठा हुआ है? ट्रेन में बैठा हुआ। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अच्छा, पर्सन को ट्रेन में बैठे हुए उसके आसपास बैठे हुए लोग स्टेशनरी लगेंगे, क्योंकि जो ट्रेन है उसमें उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ट्रेन का उसी में वो व्यक्ति बैठा है, वो पर्सन है, और उसी में बहुत सारे और लोग हैं तो वो उनको रेस्ट में दिखेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होता है तो पर्सन उसको कैसा लगेगा? पर्सन को जो आसपास का अराउंडिंग जो एनवायरमेंट है वो स्टेशनरी लगेगा, ठीक है। लेकिन आउटसाइड अगर वो देखता है ट्रेन के तो उसको ट्रीज, बिल्डिंग्स सब क्या मोशन में दिखेंगे। इसका मतलब ट्रीज और जो बिल्डिंग्स है उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है और जो पर्सन है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है मोशन में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाया। और देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, इसको बताते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कितने एक्सिस होते हैं। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, तीन इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस है बेटा, थ्री, एक्स, वाई और जेड। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। जिस पॉइंट पर ये तीनों एक्सिस इंटरसेक्शन होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, वहां उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। क्लियर? हम हमारे अराउंडिंग देखते हैं तो हमें जो गाड़ियां हैं वो तो हमें मोशन में दिखती है और हम रेस्ट में, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है और गाड़ियों में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। इस बात को अच्छे से क्लियर कर लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर सेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको वो चीज कैसी लगेगी, स्टैटिक लगेगी, स्टेशनरी लगेगी। और अगर आपने का फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आप जिसको देख रहे हो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है तो वो आपको मोशन में नजर आएगा। जो कंप्लीट अर्थ पे पहाड़ हैं, सारी चीजें हमें पता है कि वो स्टेशनरी, लेकिन अगर मून पे जाके देखें तो हम कह रहे हैं कि जो अर्थ है वो कैसे अर्थ, कंप्लीट अर्थ जो है मोशन में है। जब कंप्लीट अर्थ मोशन में है तो मून से ये जाने की व्यक्ति ने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके मून पे चला गया, तो अर्थ कंप्लीट रोटेशन में है
जो सन के सराउंड भी रोटेट हो रही है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट हो रही है। इसका मतलब अर्थ में उस मून पे जो पर्सन है उसको अर्थ पे सभी चीजें मोशन में दिखेंगी, क्योंकि उसने अपना प्रेम और प्रेफरेंस चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो प्रेम और प्रेफरेंस है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।